नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, तो बने रहें अंत तक वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, यानी ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है आपका? तो ट्रांसफार्मर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। वोल्टेज करंट ये दोनों बदल जाते हैं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी के समान ही रहती है। तो राइट आंसर आपका सी सही रहेगा। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। तीन मूल विद्युतीय परिणाम क्या होते हैं? तो तीन मूल विद्युतीय परिणाम आपके वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड होता है, यानी ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो एडी करंट क्षति कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा दिए गए भार रहित करंट पूर्ण लोड करंट का लगभग कितना होता है, यानी शून्य लोड धारा कितनी होती है ट्रांसफार्मर की? तो 2 से 5% होती है। तो राइट आंसर आपका बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर कोई भार यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी शून्य लोड परीक्षण जो किया जाता है ट्रांसफार्मर पर वो क्यों किया जाता है? तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट और लोहे क्षति ज्ञात करने के लिए आपका शून्य भार परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी सही रहेगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति हो सकती है, तो आपकी 33 KV इसकी डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होते हैं तो अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर आपका डी सही रहेगा। आगे चलते हैं। निम्न में से ट्रांसफार्मर स्थापित करने का भाग नहीं है, यानी ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है? तो आपका कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर का पार्ट है, ब्रीदर, भूगोल रिले, लेकिन एक्साइटर आपका ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी सही रहेगा, यानी एक्साइटर ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं होता है। आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है? तो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ आपका शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है, क्योंकि निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है और आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। तो आपका राइट आंसर आपका निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट का मान प्रवाहित होता है, यानी अनंत विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर आपका डी सही रहेगा, और प्रतिरोध का मान आपका शून्य हो जाता है। आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, यानी ट्रांसफार्मर क्या बदलता है आपका? तो वोल्टेज और करंट को आपका ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, बाद बाकी पावर और फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट यानी समान रहती है, इन दोनों को नहीं बदलता है। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिकतम होती है, तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में आपकी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या यानी टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका उच्च वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। आगे चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता इस क्रम में होती है, तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी 98% के आसपास होती है। आगे चलते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सामान्य तरीका है, तो ठंडा करने का सामान्य तरीका आपका ऑयल कूलिंग इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा क्या है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है विद्युत ऊर्जा को। राइट आंसर आपका किलोवाट घंटा रहेगा। आगे चलते हैं।
ट्रांसफार्मर अक्सर इस रूप में व्यक्त की जाता है, यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? तो केवीए में इसकी रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की। तो राइट आंसर आपका डी सही रहेगा। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो आपका सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए। तो राइट आंसर आपका सिलिकॉन स्टील रहेगा। आगे चलते हैं, भारत में ट्रांसमिट की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का अधिकतम वोल्टेज क्या है? तो यानी 400 kV अधिकतम वोल्टता का मान है, लेकिन अब 765 की लाइन भी स्थापित हो चुकी है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका 400 kV इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, 66 kV तक का वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाना चाहिए? लेकिन कितने तारों का प्रयोग किया जाना चाहिए केबल में? तो 3 कोर केबल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे चलते हैं, 11 kV वोल्टेज तक वोल्टेज के लिए निम्न में से कौन सा केबल प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका बेल्टेड केबल का उपयोग आपका 11 kV तक किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बेल्टेड केबल रहेगा। आगे चलते हैं, 33 से 66 किलो वोल्टेज तक का वोल्टेज ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल उपयुक्त रहेगा? तो आपका स्क्रीन केबल आपका 33 से 66 तक प्रयोग में लाई जाती है। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। आगे चलते हैं, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, यानी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में क्या होना चाहिए? आपका निम्न लागत होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उच्च यांत्रिक शक्ति उपयुक्त सभी होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? तो आपका यांत्रिक के लिए आपका आर्मिंग का प्रयोग किया जाता है, जो केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, और मेटलिक सीट का उपयोग किया जाता है, जो केबल को नमी से सुरक्षा प्रदान करती है, और बेंडिंग का उपयोग किया जाता है मेटलिक सीट को आर्मिंग से होने वाली हानि से बचाने के लिए। बेंडिंग का उपयोग किया जाता है, और बेंडिंग के लिए आपका हेजिन टेप, जूट इत्यादि का प्रयोग में लाया जाता है, और सीट के लिए आपकी मेटलिक सीट होती है आपकी एल्यूमिनियम इत्यादि की बनी होती है। आर्मरिंग आपकी आपके लोहे के तार इत्यादि से बना होता है। तो राइट आंसर आपका सी सही रहेगा। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम को बस बार के रूप में वरीयता दी जाती है, तो आपका निम्न लागत के कारण इसको वरीयता दी जाती है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, तो आपका परिवेशन, क्षरण, दीमक इत्यादि से, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलें, सर्विसमैन जोड़ता है, तो सर्विसमैन आपका वितरक और डिस्ट्रीब्यूटर और टर्मिनल उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा साधारणतः उत्पादन वोल्टेज नहीं है, यानी जनरेसिंग वोल्टेज नहीं? तो 6.6 kV आपकी जनरेसिंग वोल्टेज है, 11 kV और 13.2 kV आपकी जनरेशन वोल्टेज है, लेकिन 9.9 kV आपकी जनरेशन वोल्टेज नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी सही रहेगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस प्रयोग साधारणतः विद्युत प्रणाली में नहीं किया जाता है, यानी किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो सिंगल फेज 4 वायर का आपका प्रयोग नहीं किया जाता, बाद बाकी 3 फेज 4 वायर इसका भी प्रयोग किया जाता है, 3 फेज 3 वायर ये भी प्रयोग में लाया जाता है, सिंगल फेज 3 वायर भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी रहेगा। स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है, तो स्किन प्रभाव कंडक्टर के आकार पर निर्भर करता है, आवृत्ति प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में 50 से आने वाले आगे क्वेश्चनों पर। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।